औरंगाबाद स्थित एलोरा के श्री समनत भद्र विद्यालय में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भित्ति चित्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लगभग 50 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज और मुनि श्री संथान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भित्ति चित्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 14 सितंबर को औरंगाबाद स्थित एलोरा के श्री समंत भद्र विद्यालय में यह प्रतियोगिता सम्पन्न हुई। प्रतियोगिता में माननीय अतिथि महोदय ने हिंदी के राष्ट्रीय भाषा न होने का दर्जा न मिलने पर अपने भाव व्यक्त किए। हम सब मानते हैं कि राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, मानते हैं हम। शासन दरबार में उसके लिए अभी भी मान्यता नहीं है। 14 सितंबर 1947 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और देवनागरी लिपि को मान्यता दी, लेकिन हिंदी को उस दिन राष्ट्रभाषा का पद नहीं दिया गया। ये दुख की बात है। अतिथि महोदय के बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिंदी भाषा बोलने के लिए सभी को प्रेरित किया और महाराज जी ने भी बताया कि हिंदी के माध्यम से हमें अपने आप को उन्मत्त बनाना चाहिए। अपनी भाषा हिंदी है, अपनी भाषा को किसी भी भाषा से ना जोड़े। सभी के भाषण के बाद छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हुए इस आयोजन में हिंदी भाषा के प्रभुत्व पर जोर देने की प्रेरणा दी। जनफोकस के लिए औरंगाबाद महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।